गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग घर में ठीक होंगे। तो आज हम अपना ऑनलाइन सेशन का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब आते हैं हम डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट। मतलब कि जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी में हम जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर और उनसे जो रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, उनसे जो उनके जो आसपास ऑर्गन्स होते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी में हम जो फंक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट कैसे फंक्शन करते हैं, हमारी किडनी कैसे फंक्शन करती है, हमारी ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, इन सब के बारे में, मतलब उनके वर्क के बारे में स्टडी करते हैं। अब आते हैं हम स्कोप पे। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी। तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी मतलब स्कोप, और स्कोप को हम ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी भी बोल सकते हैं या सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, जिसमें से हमने कुछ यहाँ पे मेन मेंशन किए हैं, जैसे हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रॉस एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी। फर्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ब्रांच होती है एक मेडिकल साइंस की, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू देखते हैं। मतलब कि हिस्ट, हिस्ट का मीन्स होता है टिश्यू, और जो इसकी स्टडी होती है टिश्यूज की, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टिश्यूज की, तो उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में मतलब क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस देखते हैं। सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की, तो हम उसकी स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट जो होता है हमारी ह्यूमन इंडिविजुअल का, उसका स्टडी को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसका फर्टिलाइजेशन से डेथ तक की पूरी स्टडी को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी बोलते हैं। देन आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद एम्ब्रियोज एंड देयर डेवलपमेंट। मतलब कि क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी मेडिसिन साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन स्ट्रक्चर्स को, जैसे आई है, ईयर है, स्किन है, उसकी स्टडी को, उसके स्ट्रक्चर्स को नेक्ड आई से देखकर पढ़ सकते हैं, देखकर उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग सारे जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, उन डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उसको मतलब लगभग जो 13 सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको स्टडी करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, इन सारे जो सिस्टम्स होते हैं उनकी स्टडी को हम सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी की। स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी को हम सब डिविजन्स ऑफ फिजियोलॉजी और फिर ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं वैसे तो फिजियोलॉजी के, लेकिन जो कुछ मेन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो फर्स्ट है उसमें न्यूरोफिजियोलॉजी, सेकंड वन इज एंडोक्राइनोलॉजी, थर्ड कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, फोर्थ इम्यूनोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी is a branch of physiology and neuroscience that is concerned with the study of functioning of nervous system. मतलब इसमें हम nervous systems की study करते हैं। मतलब ये एक ऐसी branch है science, neuroscience की, जिसमें हम nervous system, brain की study करते हैं और nerves की study करते हैं, उसे हम neurophysiology बोलते हैं। और इससे related disease की जो स्टडी होती है उसे हम न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं।
उसके बाद आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं और मतलब जो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसकी स्टडी और उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स वहाँ से सीक्रेट होते हैं उनकी स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन आता है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि जो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, तो हार्ट और उसकी उससे रिलेटेड जो वेसल्स होती हैं उसकी स्टडी को हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड डिजीज़ को हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी कंसर्न विद द इम्यूनिटी। इसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी एंटीबॉडीज होती है, हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, जो हमारी वैक्सीन ETC होती है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर हम लंग्स और जो हमारी रेस्पिरेशन होता है उससे रिलेटेड, जो जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाहर की डायरेक्शन में छोड़ते हैं, उसका मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल रीनल क्या होता है, रीनल जहाँ भी आपका टर्म आएगा रीनल, रीनल का मतलब होता है कि किडनी, तो रीनल फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी एट द नेफ्रॉन लेवल, मतलब कि नेफ्रॉन जो होता है वो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी होता है। उसके बाद आता है पैथो फिजियोलॉजी। पैथो फिजियोलॉजी के अंदर हम डिजीज, मतलब कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो हम उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसका कॉज क्या होता है और उससे मतलब जो उससे रिलेटेड डिजीजेज होती हैं और उस और या फिर इंजरी होती है कोई भी, उसकी स्टडी को हम पैथो फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। थैंक यू। फिजियोलॉजी, अब हम इसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड न्यूरो साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब इसमें हम नर्वस सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस न्यूरो साइंस की जिसमें हम नर्वस सिस्टम ब्रेन की स्टडी करते हैं और नर्व्स की स्टडी करते हैं, उसे हम न्यूरोफिजियोलॉजी बोलते हैं, और इससे रिलेटेड डिजीज की जो स्टडी होती है उसे हम न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं और मतलब जो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसकी स्टडी और उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स वहाँ से सीक्रेट होते हैं उनकी स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन आता है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि जो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, तो हार्ट और उसकी उससे रिलेटेड जो वेसल्स होती हैं उसकी स्टडी को हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड डिजीज को हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी कंसर्न विद द इम्यूनिटी। इसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी एंटीबॉडीज होती है, हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, जो हमारी वैक्सीन ETC होती है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर हम लंग्स और जो हमारी रेस्पिरेशन होता है उससे रिलेटेड, जो जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाहर की डायरेक्शन में छोड़ते हैं, उसका मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल रीनल क्या होता है, रीनल जहाँ भी आपका टर्म आएगा रीनल, रीनल का मतलब होता है कि किडनी, तो रीनल फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी एट द नेफ्रॉन लेवल, मतलब कि नेफ्रॉन जो होता है वो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी होता है। उसके बाद आता है पैथो फिजियोलॉजी। पैथो फिजियोलॉजी के अंदर हम डिजीज, मतलब कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो हम उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसका कॉज क्या होता है और उससे मतलब जो उससे रिलेटेड डिजीजेज होती हैं और उस और या फिर इंजरी होती है कोई भी, उसकी स्टडी को हम पैथो फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं।
थैंक यू। एम्ब्रियोलॉजी अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद एम्ब्रियोज एंड देयर डेवलपमेंट। मतलब कि क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी मेडिसिन साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन स्ट्रक्चर्स को, जैसे आई है, ईयर है, स्किन है, उसकी स्टडी को, उसके स्ट्रक्चर्स को नेक्ड आई से देखकर पढ़ सकते हैं, देखकर उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग सारे जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, उन डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उसको, मतलब लगभग जो 13 सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको स्टडी करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, इन सारे जो सिस्टम्स होते हैं उनकी स्टडी को हम सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी की। स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी को हम सब डिविजन्स ऑफ फिजियोलॉजी और फिर ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं वैसे तो फिजियोलॉजी के, लेकिन जो कुछ मेन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो फर्स्ट है उसमें न्यूरोफिजियोलॉजी, सेकंड वन इज़ एंडोक्राइनोलॉजी, थर्ड कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, फोर्थ इम्यूनोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी is a branch of physiology and neuroscience that is concerned with the study of functioning of nervous system. मतलब इसमें हम nervous systems की study करते हैं। मतलब ये एक ऐसी branch है science, neuroscience की, जिसमें हम nervous system, brain की study करते हैं और nerves की study करते हैं, उसे हम neurophysiology बोलते हैं। और इससे related disease की जो स्टडी होती है उसे हम न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं और मतलब जो ये एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसकी स्टडी और उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स वहाँ से सीक्रेट होते हैं उनकी स्टडी को हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन आता है कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि जो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, तो हार्ट और उसकी